नगर निगम के पहले चुनाव अब पार्टी सिंबल पर होंगे, ये घोषणा शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कंडाघाट में जनमंच के दौरान की। इस घोषणा से भाजपा और कांग्रेस में चुनाव के इच्छुक प्रत्याशियों के दिलों की धड़कनें तेज हो चुकी हैं और वे अपने अपने नेताओं के साथ संपर्क साध गोटियां बिटाने में लग गए हैं। सोलन में कुल 17 वार्ड है, ऐसे में एक वार्ड से राजनीतिक दलों का एक ही अधिकारी उम्मीदवार चुनाव में उतर सकेगा, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि दोनों दलों को ही बगावत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार पार्टी द्वारा घोषणा करने से पहले ही वार्डो में प्रचार में जुट चुके हैं। ऐसे में अगर पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती है तो वह आजाद उम्मीदवार बनकर अपनी पार्टी के लिए ही चुनौती बन सकते हैं। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश में पहले एक ही नगर था, लेकिन जयराम सरकार ने 5 नगर निगम बनाए हैं, साथ में नगर पंचायतें भी बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चहुंमुखी विकास हो, उसके लिए ये कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मेयर का चुनाव पहले डायरेक्ट होता था, लेकिन उस नियम को कांग्रेस सरकार ने बदल दिया था, जिसे अभी बदलने की संभावना नहीं है, लेकिन नगर निगम के चुनाव सिंबल पर हो, इसके लिए आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। ठाकुर जयराम जी को क्रेडिट जाता है। हिमाचल प्रदेश जहाँ केवल एक कॉरपोरेशन थी, वहाँ पर दूसरी कॉरपोरेशन जो है वो किसी कारण से जो है वो अपनी एक कंस्टिट्यूंसी को फायदा पहुंचाने के लिए धर्मशाला बनी थी, लेकिन पहली बार ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में सरकार ने 5 कॉरपोरेशंस हिमाचल प्रदेश में बनाई हैं। 3 कॉरपोरेशंस बिल्कुल नई बनी हैं, जिसमें आपके ज़िला का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है, जो सबसे ज़्यादा जो है वो जेन्युइन जो है वो एक स्थान था जिसको कॉरपोरेशन बनना चाहिए। बहुत पहले से वहाँ पर डिमांड थी, वहाँ पर जो है वो जन आंदोलन भी था और उसको बनाया है। हमने पालमपुर जैसे शहर को भी जो है इस बार नगर निगम बनाया है, मंडी को भी नगर निगम बनाया है, और इसके साथ साथ हमने आपका कंडाघाट जहाँ हम खड़े हैं जिस तहसील के अंतर्गत, उसको शहर बनना चाहिए था, नगर पंचायत बनना चाहिए था, और नगर पंचायत हमने जो है वो नई 7 बनाई हैं। इन सभी के चुनाव जो हैं वो 8 अप्रैल से पहले पहले हो जाएंगे। पार्टी सिंबल पर होंगे, विचार ऐसा है जब रूल्स बना रहे हैं इसमें, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो पार्टी सिंबल पर कराए जाएंगे। मेयर का चुनाव डायरेक्ट होगा या? मेयर का चुनाव जो है वो हमने तो डायरेक्ट करवाया था, लेकिन पिछली सरकार ने वो बदल दिया, तो अब जो है वो एक्ट में चेंजेस करनी पड़ती हैं। अभी जो है वो क्योंकि अधिकांश चुनाव हो चुके हैं, इसलिए केवल नगर निगम को जो है वो अलग सिस्टम बनाया जाए, वो तत्काल जो है उसकी आवश्यकता महसूस नहीं की जा रही है, लेकिन सिंबल्स हम जो हैं वो डाल रहे हैं, जिसको भी लड़ना होगा वो सिंबल से लड़ सकता है।